आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मसूरी की खूबसूरती पर लगा दाग, मलबे और कीचड़ में तब्दील हुई सड़कें, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल, पर्यटक सीजन सर पर और सोया है प्रशासन। गर्मी के दिन हो, ढलती शाम हो और मसूरी की मॉल रोड हो, भला और क्या चाहिए। इस बार गर्मी भी होगी, ढलती शाम भी होगी, लेकिन अफसोस मसूरी की मॉल रोड नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मसूरी की मॉल रोड की रौनक खो चुकी है। खूबसूरत मॉल रोड खुदी पड़ी है, उसमें कीचड़ मलबे के सिवा कुछ नहीं है। मॉल रोड की सैर तो बहुत दूर की चीज है, अब आप यहाँ ठीक से चल भी नहीं सकते। दरअसल मसूरी का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, लेकिन इस सुधारीकरण के नाम पर शहर की खूबसूरती पर दाग लगा दिए गए हैं। कहीं पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर की सड़कें खोदी गई हैं, कहीं सुधारीकरण के नाम पर, लेकिन खुदाई तो कर दी, अब ठीक कौन करेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग मानो गहरी नींद में सोया हुआ हो। मई का महीना शुरू हो चुका है और 15 अप्रैल से हर साल मसूरी में पर्यटक सीजन की शुरुआत हो जाती है, मगर अभी तक शहर की सड़कों पर टॉपिंग नहीं हो पाई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अगर बारिश होती है तो पूरा शहर कीचड़ से सन जाता है, जिसमें लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कतें होती हैं। वहीं अगर मौसम साफ हो तो चारों ओर धूल मिट्टी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जिला प्रशासन ने विभागीय अधिकारियों को हर हाल में 30 अप्रैल तक सड़कों का डामरीकरण करने के लिए डेडलाइन दी थी, मगर वो डेडलाइन जाती रही। अमूमन हर साल मई माह शुरू होते ही मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या उमड़ने लगती है। स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी साल भर से सीजन का इंतजार करते हैं, मगर इस बार पर्यटन कारोबारी खासे चिंतित हैं। अगर पर्यटकों ने शहर से दूरी बनाई तो उन्हें ही इसका खामियाजा भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।